नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com पर। मैं हूं नीरू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। हमारा आज का विषय है वैक्सीन की कीमत, जो देश की नई बनी हुई वैक्सीन पॉलिसी है उसको किस तरीके से देखा जाए। शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार कुछ जुमलों में विश्वास करती है, जैसे कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, एक देश एक राशन कार्ड। लेकिन जब वैक्सीन की बारी आती है और वैक्सीन की खासकर कीमतों की बारी आती है, तो देखा गया है कि केंद्र सरकार को वैक्सीन कंपनीज एक दाम पर बेचती हैं, बल्कि और जो राज्य सरकारें हैं उनको दूसरे दामों पर बेचेंगी। आपको बता दें कि अभी हाल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके सीईओ हैं अदार पूनावाला, उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि पहली मई से जब सरकार 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान खोलेगी, तो उसके बाद वैक्सीन्स के लिए लोगों को कीमत देनी पड़ेगी। और उस कीमत की अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जितना भी उत्पादन वैक्सीन का सीरम इंस्टीट्यूट करेगा, उसका 50% केंद्र सरकार को जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से 150 रुपए प्लस जीएसटी के दामों में लेंगी, और जो दूसरा 50% जो बचता है, उस 50% को राज्य सरकारों को ये फ्रीडम दिया जाएगा कि वो डायरेक्टली सीरम इंस्टीट्यूट से खरीद सकती हैं। राज्य सरकारों के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो भी डायरेक्टली सीरम इंस्टीट्यूट से खरीद सकती हैं। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को का जो दाम सीरम इंस्टीट्यूट ने तय किया है वो है 400 रुपए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 400 रुपए हैं, एक आम आदमी जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर कोविशील्ड लगवाएगा, उसको सिर्फ 400 रुपए नहीं देने, ये कीमत और अभी इससे ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में लगवाएंगे तो हॉस्पिटल जाहिर सी बात है कि उसमें जीएसटी प्लस टैक्सेस, वैक्सीन की लगवाई और प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इसमें लगाया जाएगा। तो ये दाम आपको पे करना पड़ेगा अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में लगाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप केंद्र के जो कोविड सेंटर्स हैं या जो कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं या जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप वहां उन्हें लगवाएंगे, तो अभी भी आपको वो जो टीका है कोविड का वो मुफ्त लगेगा। अब आपको बता दें, यहां पर एक कंफ्यूजन है। ये जो कीमतें हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के लिए तय किया है, क्योंकि जो नई वैक्सीन पॉलिसी है, जो वैक्सीन पॉलिसी का जो तीसरा चरण है, उसके हिसाब से सरकार ने वैक्सीन की कीमतों को लिबरलाइज कर दिया है, ये कहते हुए कि वैक्सीन कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा ताकि वो अपना उत्पादन बढ़ा सके और जो वैक्सीन है उसको नेशनल और इंटरनेशनल बायर्स के लिए खोल दिया जाए। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि आज आम आदमी की बातें जो केंद्र सरकार कहती है कि आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो, हम आम आदमी के लिए हमेशा बैठे हैं, गरीब जनता के लिए बैठे हैं, तो आज वही मोदी सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से ये सवाल क्यों नहीं कर पा रही है कि ये डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों है। अगर सीरम इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार को 150 रुपए में बेच रहा है, तो केंद्र सरकारों को 400 रुपए में क्यों बेच रहा है? क्या ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? क्या यही उदाहरण कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है जो मोदी सरकार दे रही है? क्योंकि राज्य सरकारों की अपनी एक सीमा है, राज्य सरकारों के लिए विकास का काम है, स्वास्थ्य का काम है, और अगर अब वो सारे पैसे 400 रुपए की कीमत के हिसाब से लगाकर और अगर वो वैक्सीन खरीदने में लगा देंगे, तो जो गरीब राज्य हैं उन राज्यों में विकास का काम कैसे चलेगा, उन राज्यों में बाकी काम कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है कि उस काम को रोककर और फिर टीकाकरण के लिए पैसे लगाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है और राज्यों को सहूलियत के हिसाब से एक ऐसे समय में जब हजारों लोग मर रहे हैं, दवाई की शॉर्टेज है, वैक्सीन की कमी है, तो कम से कम इस समय सीरम इंस्टीट्यूट अपना मुनाफा तो ना सोचता। अब आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 12 जनवरी को एक ट्वीट में कहा था कि अभी भी जो 150 रुपए का दाम वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं, 150 रुपए के दाम पर जो केंद्र सरकार को वो बेच रहे हैं, तो उससे उनको नुकसान नहीं हो रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हाँ सुपर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द, ये 12 जनवरी की बात है जब उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसको ओपन मार्केट में 1000 रुपए में बेचेंगे। तो आज सीरम इंस्टीट्यूट से केंद्र सरकार ये क्यों नहीं पूछ पा रही है कि एक ऐसे समय में आपने ये दाम कैसे मुकर्रर किए,
क्या केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को ये नहीं कह सकती कि आप इतनी महंगी वैक्सीन क्यों बेच रहे हैं? और महंगाई का अगर मैं आपको आलम बताऊं तो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट इस समय विश्व की सबसे महंगी वैक्सीन बेचेगा 1 मई से, जब 600 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को ये बेचा जाएगा और 400 रुपए में राज्य सरकारों को, तो ये विश्व की सबसे महंगी वैक्सीन होगी। और कैसे होगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी एक तुलनात्मक रिव्यू करके। अब 600 रुपए यानी कि $8 पर जैब, यानी कि एक वैक्सीन आप लगवाएंगे तो वो $8 की पड़ेगी, जो कि विश्व की सबसे महंगी वैक्सीन होगी। क्योंकि जो विकसित देश है वहां पर कोविशील्ड, जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की जो ये वैक्सीन है, ये इतनी महंगी नहीं बिक रही है। यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन में $3 की बिक रही है, यूरोपियन यूनियन में $2.15 की बिक रही है, अमेरिका में यही वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की $4 में बिक रही है। लेकिन भारत इतना महान देश है और इतनी गरीब जनता को संभालने वाला देश है कि ये विश्व की सबसे महंगी वैक्सीन यहां पर बेच रहा है। अब मोदी सरकार ने ये क्या शुरू में क्लैरिफिकेशन दिया था कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैक्सीन कंपनियों का उत्पादन जब बढ़ेगा तो टीकाकरण का हमारा अभियान चलेगा। लेकिन सरकार इस बात को भूल गई कि अगर इतनी महंगी वैक्सीन बिकेगी तो महंगी वैक्सीन बिकेगी जिसकी वजह से लोग टीकाकरण नहीं लगवाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां पर 60% जनता आज भी गरीबी रेखा के नीचे है, तो ऐसे देश में आज आप इतनी महंगी वैक्सीन क्यों बेच सकते हैं? ट्विटर पर अनाप शनाप कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आप एक पिक्चर हॉल में आप जा सकते हैं पिक्चर देखने के लिए, पॉपकॉर्न खाने के लिए आप 600 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए क्यों नहीं? तो ये अलग अलग आइडियोलॉजिकल थॉट्स हैं। लेकिन अगर आप इसको पूरे देश के परिपेक्ष में देखें और जहां पर एक गरीब जनता रहती है, तो क्या ये जस्टिफाइड है कि आप 600 रुपए में इस वैक्सीन को बेचोगे जो कि विश्व की सबसे महंगी वैक्सीन है? मजे की बात यह है कि जब इस तुलनात्मक स्टडी के साथ जब स्वास्थ्य मंत्रालय को से सवाल पूछने की कोशिश की गई थी तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। मैंने आज खुद आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट में मैसेज किया ये पूछने के लिए कि आधार पूनावाला का मुझे इंटरव्यू करना है और इंटरव्यू का हमें कब टाइम मिल सकता है, और साथ में प्राइसिंग की एक लेटेस्ट प्रेस रिलीज और क्लैरिटी भी मांगी थी, तो वहां से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला और हमें ये पता चला कि आधार पूनावाला अभी बात नहीं करेंगे। सर ये बहुत शॉर्ट साइटेड पॉलिसी और इसके ज्यादा भेदभाव इससे क्या हो सकता है? एक देश एक टैक्स, एक देश सब कुछ, एक देश सब कुछ कहने वाले ये उन्हीं लोगों ने जो सरकार के माध्यम से नीति बनाई वो कहती है कि नहीं, केंद्र सरकार जो लेगी वो अलग रेट पे लेगी, राज्य सरकार लेगी वो अलग रेट पे लेगी और वो भी महंगा। तो इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई आधार नहीं बनता। निजी क्षेत्र के लिए आपने कोई रेट तय किया, चलिए वो जिनको लगाना होगा एक बार कहा जा सकता है कि वो देख सकते हैं, हालांकि वो भी मुझे लगता है कि रेट ज्यादा है। मैक्सिमम 400 रुपया पर डोज निजी क्षेत्र में और केंद्र सरकार राज्य सरकार का एक रेट होना चाहिए। अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने लिखा पढ़ी की है जी। और ये बात और है कि पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये स्टैंड लिया कि अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी तो अपने नागरिकों को तो हम करेंगे, ये कहने के बाद रेट उन्होंने ज्यादा तय कर दिए। पैसा करीब 1,000 करोड़ के आसपास लग सकता है, ये 1,30,00,000 की आबादी हम लोग आंक रहे हैं, 1,30,000, 1,30,00,000 नागरिक हो सकते हैं इस आयु ब्रैकेट में, और इनको अगर टीकाकरण करेंगे तो आप सीधे ही देख सकते हैं कि 1,040 करोड़ रुपया लगेगा। जहां तक पैसों का सवाल है, एक सीमा रहती है, सीमा के अंदर पैसे रहते हैं और किसी भी सरकार के पास पैसे नहीं है ऐसा कभी नहीं होता। आप एक काम में पैसा लगा देंगे तो दूसरा काम सफर करेगा, तो ये काम अगर आपने वैक्सीनेशन में ये पैसा लगाया तो विकास के दूसरे काम नागरिकों के लिए जो आवश्यक होते हैं वो प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार ने जब बजट में 30,000 करोड़ का प्रावधान केंद्रीय बजट में कर ही दिया था तो पीछे हटने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। अब आपको बता दें कि अगर महंगी वैक्सीन की हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं
वो भी अपनी वैक्सीन कई जगह फ्री में बांट रहे हैं, और अगर बेच भी रहे हैं तो बहुत कम दाम में बेच रहे हैं, जो कि $4 से कम है। तो क्या आज भारत की सरकार के लिए इस चीज को करना क्या इतना मुश्किल काम है? ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैक्सीन की प्राइसिंग को लेके, वैक्सीन की कीमतों को लेकर आज क्लैरिटी क्यों नहीं है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्राइसिंग के बीच में इतना भेदभाव क्यों है? सीरम इंस्टीट्यूट को क्या सरकार फायदा पहुंचाना चाह रही है, और फायदा कैसा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कह चुका है कि ₹150 के दाम पर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आज सरकार उसको सुपर प्रॉफिट के लिए एक रास्ता खोल रही है सीरम इंस्टीट्यूट के लिए? और अभी तब ये कि जबकि भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन बनाता है उसने अपनी प्राइसेस को डिक्लेयर नहीं किया है, ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है कोविशील्ड को लेकर, सीरम इंस्टीट्यूट से इसको लेकर क्लैरिटी मांगी जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि ऐसी महामारी के दौर में जब चारों तरफ से चिताएं जल रही हैं और टीकाकरण ही एक उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि टीकाकरण कराने के बाद, टीका लगवाने के बाद ये कहा जा रहा है कि संक्रमण हो सकता है लेकिन लोगों को मरने से बचाया जा सकता है, तो क्या प्राथमिकता सरकार की और सीरम इंस्टीट्यूट की? आज भी सिर्फ मुनाफा कमाना है, और अगर सीरम इंस्टीट्यूट मुनाफा कमा रहा है तो आज सरकार उस पर चुप क्यों है? सरकार आज सीरम इंस्टीट्यूट से कोई सवाल क्यों नहीं करती? ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या यही मोदी सरकार है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती थी और कहती थी कि नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास करेंगे? आज आप कैसे कर रहे हैं? स्वास्थ्य के मामले में आप किसका विकास कर रहे हैं? ये विकास सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट का है? विपक्ष क्या गलत कहता है? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार एक सूट-बूट की सरकार है, आप जो कैपिटलिस्ट हैं उनके बारे में ही सोचते हैं। तो क्या सरकार, मोदी सरकार आज सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट के मुनाफे के बारे में सोच रही है, अपने आम लोगों को के बारे में नहीं सोच रही कि वो टीकाकरण का जो पूरा नेट है उससे बाहर रह सकते हैं? कीमती वैक्सीन होगी तो लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी, और अलग अलग दामों पर आप केंद्र सरकार को एक दाम और राज्य सरकारों को दूसरे दामों पर कैसे बेच सकते हैं? आज राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में राज्य सरकारें पैसा कहां से लाएंगी? तो वैक्सीन जो पॉलिसी है वो बहुत ही मिसडायरेक्टेड पॉलिसी है और बिल्कुल एक यूनी डायरेक्शन में चल रही है, एक ही दिशा में चलने वाली पॉलिसी है, जिसमें ऐसा लगता है कि जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्हीं का फायदा होगा, और जो आम जनता है उसको टीका लगे ना लगे, महंगा लगे, इससे सरकार को ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब नहीं है। इस पर, इसको लेकर ट्विटर पर तमाम शोर मच रहा है। आज कई लीडर्स ने इसको लेकर लिखा भी है कि ये कैसी डिफरेंशियल प्राइसिंग है। अब सरकार को ये तय करना है कि आपको अपने लोगों की जान बचानी है, उनको महंगी वैक्सीन देख आप सरकार को ये सारी जो प्रायोरिटीज हैं ये तय करनी है, और देखना ये होगा कि कब इस पर प्रायोरिटी तय की जाती है। केंद्र सरकार के जो राज्य सरकारें हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा है कि उनकी डायरेक्ट अभी सरकार से, केंद्र सरकार से बात नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों के जरिए उन्होंने ये मैसेज जरूर डाल दिया है कि ये राज्यों के साथ अन्याय होगा। लेकिन क्या मोदी सरकार अन्याय को न्याय में बदल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, और उससे भी बड़ा जो सवाल है कि क्या मोदी सरकार के लिए आज भी इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा जरूरी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बजाय इसके कि आम जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे या ना रहे। बड़े शर्म की बात है, लेकिन सरकार इस पर चुप है, और अब देखना यह है कि वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सरकार कितनी जल्दी इस चीज को क्लियर करती है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी आपको ये भी बता दूं कि कितनी जल्दी तो मैंने बोला, लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार इस पर कुछ बोले ही ना और बिल्कुल अंधे तरीके से 1 मई को ये जो अभियान है टीकाकरण का, ये 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, और सीरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट अस्पतालों को ₹600 में ही वैक्सीन बेचेगा। तो क्या स्वस्थ रहने की जो जिम्मेदारी है वो क्या आम लोगों के ऊपर ही डाल दी गई है, राज्य सरकारों के ऊपर ही डाल दी गई है, ताकि केंद्र सरकार को कोई ब्लेम ना कर सके? ये तमाम सारे बड़े सवाल हैं। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और इसके पहले कि इस वीडियो को खत्म करूं, एक छोटी सी गुजारिश है कि बेबाकी से बोलना और पत्रकारिता करना आज के समय में एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें और सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे दो ट्विटर हैंडल्स हैं @Neelu317 एंड @Neelu on the move। आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा आज का एजेंडा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।